हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन जरूर करें सिर्फ एक दान। दोस्तों, रुपए पैसा धन इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों तुलसी विवाह के दिन यदि आप इस तरह का एक दान करते हैं तो दोस्तों भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो चलिए जानते दोस्तों इस दान के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, तुलसी विवाह का पर्व हिंदू धर्म एक अत्यधिक पवित्र और शुभ अवसर होता है। इस दिन शालिग्राम भगवान का विवाह माता तुलसी के साथ कराया जाता है, जिसे एक धार्मिक और मांगलिक कार्य के रूप से अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ की शुरुआत होती है, जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाती है। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से दान और पुण्य धार्मिक कार्यों का महत्व बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। जी दोस्तों, तुलसी विवाह को इस शुभ अवसर पर पूजा पाठ करने के साथ साथ विधि विधान से तुलसी विवाह करना अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु अथवा माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। जी दोस्तों, आप सिर्फ एक दान करते हैं या दोस्तों तुलसी विवाह के दिन एक दान करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और पैसा मजबूत आएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस दान के बारे में। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन यदि आप अनाज का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन गेहूं, चावल, बाजरा जैसे अनाज का दान करने से कभी भी घर में धान्य की कमी नहीं होती है, यानी कि अन्य धान्य की कमी नहीं होती है, रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। इस दिन आप ये दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, विशेष रूप से यदि अनाज का दान गरीब और जरूरतमंद लोगों को करते हैं तो न केवल आर्थिक समृद्धि आती है बल्कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ती है। तो दोस्तों, ये दान अवश्य करें। तो दोस्तों, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपके लिए कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।